Hello everyone, I am Namrata. Today I will teach you science. Children, मैं आज आपको आपके क्लास वन से सब्जेक्ट साइंस बुक से लेशन पढ़ाऊंगी. आई होप आप लोगों ने बुक ले लिया है, और अगर आप लोगों ने बुक नहीं लिया है तो बुक ले लें, क्योंकि अब आपकी स्टडी बुक से ही करवाई जाएगी. ऑनलाइन क्लास आप लोगों को करना है, वो बुक के साथ करना है. तो अब हम अपना लेशन स्टार्ट करना है. पहले हम अपने लेशन का नाम जानेंगे. हमारे लेशन का नाम है द वर्ल्ड अराउंड अस, मीन्स हमारे आसपास की दुनिया. आवर सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन्स हमारे चारों ओर. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई लुक आउट द विंडो, द सन इज शाइनिंग. आई स्मेल द फ्रेश एयर, मीन्स वो बता रहा है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और मैं खिड़की से बाहर झांकता हूँ तो क्या देख रहा हूँ, बहुत कुछ. सूरज चमक रहा है और मैं फ्रेश एयर को फील कर रहा हूँ, वो फ्रेश एयर को मैं स्मेल कर रहा हूँ. आई कैन स्मेल द टेस्टी ब्रेकफास्ट डैट माई मदर इज कुकिंग. मेरी मदर जो है वो टेस्टी ब्रेकफास्ट बना रही है. ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता. आई कैन हेयर द साउंड्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स मूविंग. आई कैन सी पीपुल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट बिलो. स्ट्रीट मीन्स होता है रास्ता या गली. वो जो लड़का है वो कुछ साउंड को सुन रहा है और मूव करते हुए स्कूटर और कार को देख रहा है. गली में, उसके रास्ते की गली में कुछ लोग टहल रहे हैं, कुछ लोग वॉकिंग कर रहे हैं, वो उस चीज़ को देख रहा है वो. ओह देयर इज़ ए लॉट हैपनिंग अबाउट मी. मेरे आसपास बहुत कुछ हो रहा है. प्लेसेस इन आवर नेबरहुड, नेबरहुड मीन्स पड़ोस. I live with my family in my home. मैं, मेरी फैमिली जो है वो मेरे साथ मेरे घर में रहती है. The people who live near us are called neighbors. और जो लोग हमारे नज़दीक में, आस पड़ोस में रहते हैं, उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं. The place around my house is called neighborhood. There are also other places in my neighborhood. और भी बहुत सारी जगहें जो हैं वो मेरे घर के पास में हैं. नियर माई होम इज ग्रोसरी शॉप. ग्रोसरी शॉप मीन्स होता है किराने का दुकान, जहाँ हम किराने के सामान को लेने के लिए जाते हैं. वेयर माई मदर बाइज राइस शुगर दाल एंड फ्लोर. मेरी माँ जो है वो ग्रोसरी शॉप में दाल चावल शुगर आटा ये सारे कुछ लेने के लिए जाती है. Sometimes I go with my mother to the market. कभी कभी मैं अपनी माँ के साथ मार्केट भी जाता हूँ, बाजार भी जाता हूँ. There are fruits and vegetable shops, shops, clothes and many more shops around. जहाँ दुकानें, मार्केट में मैं अपनी माँ के साथ जाता हूँ तो बहुत तरह की दुकानों को देखता हूँ, जहाँ फल की दुकान है, सब्जियों की दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है, कपड़े की दुकान है. देयर इज ए क्लिनिक नियर बाई. नियर बाई का मीनिंग होता है पास में. वहीं पर मेरे घर के पास में एक क्लिनिक भी है. क्लिनिक मीन्स जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, जहाँ पेशेंट को देखा जाता है. व्हेन आई एम सिक, जब मैं बीमार पड़ता हूँ, मदर टेक्स मी टू द क्लिनिक. मेरी माँ मुझे क्लिनिक ले जाती है डॉक्टर को दिखाने. We also have a park where we go to play in the evening. और एक पार्क भी है मेरे घर के पास, जहाँ मैं शाम को खेलने जाता हूँ. My mother is also near my home. My school is also near my home. और मेरे घर के ही पास से मेरा स्कूल भी है. My friends and I walk to school every day. मैं और मेरा दोस्त प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं. Near the market is a post office. और पास में पोस्ट ऑफिस भी है, जो कि
पोस्ट ऑफिस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, डाकघर। वी कैन बाय स्टैम्प्स, सेंड मनी एंड पार्सल्स टू एनीवन। जहाँ जाकर हम अपने पैसे को कुछ सामानों को पार्सल करते हैं, अपना पैसा किसी को मनी ऑर्डर करते हैं, वो सारे काम पोस्ट ऑफिस में होते हैं। देयर इज ए बैंक वेयर पीपुल्स मनी इज केप्ट सेफ। और वहाँ एक बैंक भी है जहाँ बैंक में लोग अपने पैसों को सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। आवर नेबरहुड ऑल्सो हैज़ ए पुलिस स्टेशन। और मेरे पड़ोस में एक पुलिस स्टेशन भी है। द पुलिस आर वेरी हेल्पफुल एंड दे कीप अस सेफ। पुलिस जो होती है वो हमारी बहुत मदद करती है और हमें सुरक्षित रखती है। तो इस लेसन में बच्चे ने इतने कुछ के बारे में बताया जो उसके घर के नियर है, बहुत ही पास में है। कीपिंग आवर सराउंडिंग ग्रीन, हमें अपने चारों तरफ के वातावरण को हरा भरा रखना चाहिए। वी कीप आवर नेबरहुड क्लीन, वी नेवर थ्रो गार्बेज ऑन द रोड्स। और वातावरण को साफ करने के लिए हमें कूड़ा कचरा को हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। तो इस लेसन में हमने इतने कुछ के बारे में जाना और पढ़ा। अब आपका होमवर्क जो है वो है कि आप इस लेसन को रीडिंग करेंगे।